कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लकी सिम्पी इंडियन ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सिम्पी और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो काजल के ऊपर है। कैसे हम लोग काजल अप्लाई करेंगे जो आँख में फैलेगा नहीं, या हम लोग कभी कभी बाहर जाते हैं काजल लगा करके और वो फैल करके यहाँ यहाँ तक आ जाता है, वो बिल्कुल बेकार लगता है देखने में। हमारा लुक ही एकदम से चेंज हो जाता है, अच्छा भी नहीं दिखता है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि कैसे हम काजल अप्लाई करेंगे जो बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, स्मज प्रूफ रहेगा, चाहे वो आपकी कोई सी भी काजल हो, स्मज प्रूफ या वाटर प्रूफ ना भी रहे, तो हम लोग आसान तरीके अपना करके काजल को स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ बना सकते हैं। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काजल लगाना किसको नहीं पसंद है? सबको पसंद है। काजल लगाने से हमारी आंखें अच्छी लगती है देखने में, तो हम लोग सब काजल यूज करते हैं और काजल के बिना मेकअप बिल्कुल ही अधूरा लगता है कि नहीं? आप लोग बताइए। तो मैं तो बहुत लगाती हूँ काजल, मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है। मैं किसी फंक्शन पार्टी ऐसे भी, हम लोग घर में भी रहते हैं तो काजल लगाना मुझे बहुत पसंद है, मैं लगाती हूँ। और मेरी आईज जो है एकदम वाटरी है, अगर मैं लगाती हूँ काजल तो मेरे आँख से तुरंत पानी निकलने लगता है। तो इनमें से आप लोग में से बहुत से लोगों की भी ये समस्या होगी, तो आज के वीडियो में हम ये चीज शेयर कर रहे हैं कि कैसे हम लोग काजल अप्लाई करें जो फैले ना, स्मज ना हो, वाटर प्रूफ रहे। तो आज हम काजल, कोई भी आप लोग अपनी काजल ले लीजिए, आप लोग की जो फेवरेट काजल है आप लोग ले सकते हैं। तो मैं जो आज काजल ले रही हूँ, एक तो मेरी मेरी जो काजल है वो मेबलिन की है। ये काजल और आईलाइनर दोनों है, तो आज मैं इसको लगा करके दिखाऊंगी कि कैसे ये हमेशा आंख से फैले नहीं, ऐसी ही टिप्स मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग भी अपनी फेवरेट कोई भी काजल ले लीजिएगा, जो आपको पसंद हो वो ले लीजिएगा। और मैं ले रही हूँ लक्मे का लूज बॉर्डर, और मैं ले रही हूँ ये आई शैडो पैलेट। ये आई शैडो पैलेट मेरा लियोन ब्यूटी का है। आप लोग कोई भी आई शैडो पैलेट ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का। तो मेरे पास लियोन ब्यूटी का अवेलेबल है, इसलिए मैं लियोन ब्यूटी का आई शैडो पैलेट ली हूँ। और ये है ब्रश, ये है ब्रश, ये काजल लगाने में और आईब्रो फिल करते में ये काम आती है। तो मैं ली हूँ ये ब्रश, आप लोग भी देख सकते हैं। दूसरा काजल मैं आप लोगों के लिए इसलिए ये काजल ली हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें, क्योंकि वो आईलाइनर प्लस काजल दोनों है, इसलिए मैं ये काजल ली हूँ, नॉर्मल काजल। और ये काजल में आप लोगों के पास ऐसी काजल होंगी तो आप लोग ऐसी काजल भी ले लीजिएगा और अपने आईज में अप्लाई कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग काजल लगाएंगे। अब बहुत देखिएगा जी हैक है ये, आप लोग बिल्कुल ट्राई करिएगा अपने घर में, आप लोग भी लगा करके। मैं तो कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मेरे तो काजल फैल ही जाते हैं, क्योंकि मेरी आई बहुत वाटरी है, सेंसिटिव भी है। तो इसलिए मैं आज जो होम रेमेडी, जो रेमेडीज बता रही हूँ, आप लोग भी यूज करके देखिएगा। मेरा आईब्रो फिल हो चुका है और मैं काजल लगा रही हूँ इस ब्रश की हेल्प से। ये ब्रश मुझे इस काजल में ही आया था, मैबलिन वाले में।
अगर आप लोगों को भी ये वाली काजल चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग भी मंगा सकते हैं। मैंने ये परचेज मिंत्रा से किया था तो मैं ये लिंक डाल दूंगी आपको। ये ऐसे अप्लाई कर लिया मैंने एक आई में। और मैं दूसरे आई में भी अप्लाई कर रही हूँ। देखिए कितनी वाटरी हो गई है मेरी आई। देखिए मैं काजल अप्लाई कर ली हूँ इस साइज में अच्छी तरीके से, फिर मैं इसमें भी अप्लाई कर लूंगी। और मैं काजल को लॉक करने के लिए लूज पाउडर लूंगी, आप भी कोई भी लूज पाउडर ले लीजिएगा। इससे हमारा काजल जो है वो लॉक हो जाता है, हटता नहीं है बिल्कुल इधर से उधर भी। देखिए ऐसे ऐसे लेकर के जो ब्रश में बहुत पाउडर आ गया है तो हम लोग ऐसे हटा देंगे। हम लोग ऐसे लगाना शुरू करेंगे। ऐसे हम लोग लगाएंगे बिल्कुल भी। देखिए मैं लगा ली हूं लूज पाउडर। लूज पाउडर लगाने से हमारा जितना भी ऑयल वगैरह जो भी मॉइस्चराइजर सब लगा, लूज पाउडर लगाने के बाद जितना इस एरिया में हमारा ऑयल वगैरह रहता है वो पूरा ही ऑयल पाउडर लगाने से खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी यहाँ ड्राई हो जाती है हमारी आई, इससे हमारे काजल नहीं फैलते हैं। तो अब मैं लगा ली हूँ। यहाँ पर हम लोग काजल नहीं लगाएंगे इतना इतना करके, क्योंकि यहाँ लगाएंगे तो ये फैल ही जाएगा। तो मैं इसलिए आई साइडो यूज कर रही हूँ। आई साइडो को हम लोग एक फ्लैट ब्रश से यहाँ से लेकर के नीचे तक लगाएंगे। तो अभी मैं दिखा रही हूँ कैसे हम लोग, ये ब्लैक कलर होगा। तो आप लोग भी किसी फ्लैट ब्रश से देख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्लैट ब्रश है, एकदम बराबर है इसका ये। तो देखिए मैं ले ली हूं इस ब्रश में, इस तरीके से आपको भी ले लेना है। एक्स्ट्रा जो भी है आ गया है साइड उसको ऐसे करके हटा देना है। और अभी आई साइडो को देख रहे हैं गाइस, मैंने लगा लिया है इस आई में काजल। और ये आईज मेरी देखिए और आप लोग इस आईज को देखिए, दोनों आईज देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये आई शैडो है तो इसमें स्मज होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आता है तो स्मज तो होगा नहीं आपका। तो आप लोग भी इस हैक को अपना करके अच्छे से काजल लगा सकते हैं, बिल्कुल भी किसी शादी पार्टी में आपको
काजल फैल जाने के कारण शर्मिंदा ना होना पड़े। तो मैं लगा ली हूँ इस आइज में भी, दोनों आइज में मेरी काजल लग गई है और देखिए कितनी परफेक्ट लग रही है वो भी आई साइडो लगा के। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर वाटर लाइन में लगाएंगे काजल और उसके नीचे लाइंस में लगाएंगे आई साइडो और हमारे काजल जो है वो लॉक हो जाएंगे, इधर उधर नहीं फैलेंगे और हमारा मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। कहीं भी पार्टी में आप जा रहे हो तो आपका काजल बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, 100% गारंटी। आप लोग जरूर यूज करके देखिएगा ये हैक। और मैं अभी आप लोगों को लाइनर लगा करके दिखाती हूँ फिर। और मैं लगा रही हूँ अभी आईलाइनर। और देखिए गाइस मेरी काजल बिल्कुल भी, देखिए कितनी अच्छी लगी है। आप लोग देखे इस वीडियो में कि कैसे मैंने आई में काजल कैसे लगा लिया। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल पर बने रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए गाइस। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी आप सभी के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।